गोरखपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित, पल्लवी पटेल नहीं लड़ेंगी चुनाव। पल्लवी पटेल को लगा बड़ा झटका। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। 2024 लोकसभा चुनाव में काजल निषाद इन दिनों चुनाव प्रचार कर रही हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर काजल निषाद के समर्थन में भारी भीड़ आ रही है। उनके जनसभाओं में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की राह आसान रहने वाली नहीं है गोरखपुर लोकसभा सीट पर। वहीं अपना दल कमेरावादी पार्टी की जो नेता है पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा है। अपना दल कमेरावादी पार्टी और पल्लवी पटेल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल लड़ना चाहती हैं, लेकिन पल्लवी पटेल अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। पल्लवी पटेल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही थी। बता दें कि अपना दल कमेरावादी पार्टी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। चुनाव चिन्ह लिफाफे की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और आचार संहिता के बाद सुनवाई करने का फैसला लिया है। अपना दल कमेरावादी पार्टी और पल्लवी पटेल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल लड़ना चाहती हैं, लेकिन पल्लवी पटेल अब चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन भी नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। वर्तमान में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं।